हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं इन खेतों से, और अभी हम आए हैं पोखर नहाने के लिए क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है। तो आज पापा के साथ जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए, और डेली मेरे घर से कोई ना कोई जाता है, बीच में मैं चला गया था एग्ज़ाम देने के लिए इसलिए मैं नहीं जा सका था। तो आज पापा के साथ जाऊँगा और फिलहाल अभी नहाने आए तो नहा धो लेते हैं, और ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और अब डेली ब्लॉग आप लोगों को चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ब्लॉग को लास्ट तक देखा करो आप लोग, और बताना कि आप लोगों की तरफ नवरात्रि कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो ये भी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और लिख देना कि आई लव फ्रॉम यहाँ, जहाँ से देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखना भाई। तो गाइस, हम और पापा निकल चुके हैं पूजा करने के लिए, भालसुमर जा रहे हैं और बाइक से जा रहे हैं। देखो पापा पीछे बैठे हैं, और इधर एक पुल था जो कि टूट गया है अभी, मतलब टूट गया था तो इसको बढ़िया से तोड़ दिया, अब नया बनेगा, हम लोग को अब नए रास्ते से जाना पड़ेगा दूसरे तरफ से घूम के। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, फिलहाल हमारा पूजा हो रहा है, देखिए पापा इधर पूजा कर रहे हैं, पहली बार हम और पापा साथ में आए हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा हो गया हमारा, अब हम जा रहे हैं घर। लेकिन एक दिक्कत हो गया यार, मतलब आप लोग कहीं मिलते हो तो बात क्यों नहीं करते हो? एक सब्सक्राइबर देखे, और कई लोग मिलते हैं तो बात करते हैं, लेकिन बहुत लोग शर्माते हैं, आपस में गप कर रहे थे कि देखो मोहन सर जा रहे हैं, देखो मोहन सर जा रहे हैं, वो बोल रहा है कि तुम बोलो, वो बोल रहा है कि तुम बोलो। तो मैं समझ जाता हूँ कि आप मुझसे बात करना चाहते हो, फिर देखे तो वो चला गया, गायब हो गया। तो इस तरह से यदि कहीं देखा करते हो तो बात किया करो, शर्माने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी। तो बस अभी घर चलते हैं। तो अभी घर पहुंच चुके हैं, और अभी मम्मी पूरा घर में टीका देने वाली है, क्योंकि आज क्या लगे माँ, आज संजोत है, और हर दशहरा में घर में जो चौखट होता है उसमें टीकाकरण होता है। तो आपको हम दिखाते हैं अभी मम्मी कैसे टीका देती है, नहीं देती है। अभी हमारा लंच रेडी हो चुका है, देखो सबसे पहले खाते हैं, भूख बहुत ज्यादा लग गया है आज। तो गाइस, कल है अष्टमी और कल मेला लगता है हमारे गांव के बगल में ही, आपको हम दिखाने ले जाएंगे मेला। तो मम्मी बोल रही है कि दुर्गा पूजा के लिए कुछ कपड़ा ले लो, या एक जींस ले लो, या एक शर्ट ले लो, या टी शर्ट कुछ भी ले लो। लिटरली मेरा तो मन नहीं है लेने का, लेकिन मम्मी बोल रही है कि ले लो ले लो। अरुण तो ऑलरेडी ले चुका है पहले भी, क्योंकि वो बाहर जाने वाला था, तो दुर्गा पूजा भी आ गया तो उसी से उसका काम चल जाएगा। तो अभी सोच रहे हैं कि गाँव में तो मिलेगा नहीं, मैंने पता किया कि गाँव में एक दुकान है तो वहाँ बोला कि नहीं है, तो अभी सोच रहे हैं कि जाएंगे मार्केट और ले करके आएंगे। तो चलो देखते हैं कैसा मिलता है, नहीं मिलता है, और मम्मी के लिए भी कुछ ले लेंगे। तो चलो जा करके देखते हैं। सो गाइज, ये है अगली सुबह, और कल हम गए थे मार्केट, तो मतलब दुकान गए तो मार्केट में दो, यदि जीन्स लेना है मुझे तो दो जीन्स दिखा रहा है, बोला है कि यही दोनों में से कोई एक ठो लेना पड़ेगा क्योंकि सब खत्म हो गया। शर्ट देख रहे हैं तो बोल रहा है कि यही तीन ठो है, तीन में से कोई एक ठो ले लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरह से कुछ नहीं ले पाए, गांव में भी पता किए वही हाल, और गए थे नज़दीक मार्केट तो वहां भी वही हाल। तो आज देखते हैं, आज नोनीहाट जाएंगे, उम्मीद है वहां पर मिल जाएगा। और एक कंफ्यूजन ये भी है कि जो हमारा मेला लगता है भालसुमर का, वो आज है कि कल है, कुछ लोग कह रहे हैं आज है, कुछ लोग कह रहे हैं कल है, इस तरह से कन्फ्यूजन हो गया है इस साल जो है, ये कन्फ्यूजन वाला मामला हो गया है, इसलिए लोगों ने क्या डिसीजन किया है। जब ऐसा कन्फ्यूजन होता है, या आज है या कल है, आज है या कल है, तो दोनों दिन है, इसका एक सॉल्यूशन हो गया कि दोनों दिन, आज भी मेला होगा कल भी मेला होगा। तो आज हम लोग ऐसे ही जाएंगे जो हमारा नॉर्मल है, पहले का कपड़े वगैरह, और आज खरीदेंगे जा करके, और कल फिर न्यू कपड़े पहन करके जाएंगे मेला। तो कल शॉपिंग नहीं हो पाया इसलिए। तो फिलहाल आप लोगों को जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी जहाँ भी मिलते हो मुझसे बात किया करो, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।